नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता सात्विक रेसिपी में आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं पोहा मिक्सचर की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें हम घर पे बनाएंगे। आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, आप अपने लिए बना सकते हैं, अपने घर आने वाले मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है, उसको दो बार साफ पानी से धो लिया है। और एक बर्तन में मैंने गर्म पानी लिया है, उसमें सारे चने की दाल डाल रही हूँ। और एक चम्मच नमक डालकर 5 घंटे के लिए मैं इसको सोख होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से फूल जाए। 5 घंटे के बाद हम इनको चेक करेंगे और उसके बाद इनको हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, ताकि इनका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद इनको अच्छे से हम खुला छोड़ देंगे, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। अब हम नमकीन बूंदी की तैयारी करेंगे। तो एक कटोरी बेसन में मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक पिंच सोडा डाला है, एक चम्मच तेल डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करूंगी। बैटर बहुत ठीक नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रनिंग बैटर होना चाहिए इस तरीके का। अब हम नमकीन सेव बनाने की तैयारी करेंगे। एक कटोरी बेसन लिया है, 2 चम्मच तेल डाला है और उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है, और आधी चम्मच मैंने हींग डाला है। उसके बाद इनको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके का डो तैयार करना है। अब हमारे मिक्सचर की सारी तैयारी हो चुकी है, तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बूंदी के लिए बैटर भी तैयार है, चने की दाल भी रेडी है। तो सबसे पहले हम नमकीन सेव बनाएंगे। नमकीन सेव बनाने के लिए सबसे पहले हम मोटे वाला सेव बनाएंगे। तो यहाँ मैंने मोटे वाला सांचा लिया है और उसके बाद थोड़ा सा डो मैं सांचे में डाल रही हूँ। और तेल को मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम में गरम कर लिया है। जब भी आप नमकीन सेव या बूंदी बनाएं, तेल बिल्कुल हाई फ्लेम में गरम होना चाहिए। और उसके बाद इनको मीडियम फ्लेम में हम क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से सांचे से हम तेल में सेव को डाल देंगे और उसके बाद इनको क्रिस्प होने तक हम फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म है। दोनों तरफ से हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। और ये देखिए, बिल्कुल तैयार है। मोटे वाले सेव बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, अब मोटे वाले सेव बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम पतले वाला सेव बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पतले वाला सांचा लगा दिया है और जो डो तैयार किया था वो मैंने बाकी बचा हुआ डाल दिया है। और इसी तरीके से गरम तेल में बिल्कुल हाई फ्लेम पे सेव डाल लेना है और मीडियम फ्लेम होने पर इनको क्रिस्प करके हमें निकाल लेना है। और सारे सेव इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मोटे और पतले सेव दोनों तैयार हैं। अब हम बूंदी की तैयारी करेंगे। तो जो बैटर हमने बनाया था वो ले लिया है, और जिससे घर में हम पूड़ियाँ बनाते हैं वो झारा लिया है। और तेल के ऊपर इस तरीके से हमें बूंदी डालते जाना है और इनको क्रिस्प होने तक हमें फ्राई करना है। बूंदी को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने बैटर में 1 पिंच सोडा और 1 चम्मच तेल डाला था। इससे बूंदी बिल्कुल क्रिस्पी तैयार होगी। जब हम लड्डू बनाते हैं तो हम तेल या सोडे का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे बूंदी नरम बनती है, वो लड्डू के लिए है। और क्रिस्पी बूंदी के लिए ज़रूर उसमें 1 चम्मच तेल और 1 पिंच खाने का सोडा डालें। अब इनको लो फ्लेम में क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल तैयार है। अब हम कुछ कलरफुल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है और 1 पिंच इस बैटर में डाल दिया है। और उसके बाद हम ग्रीन कलर की बूंदी निकाल लेंगे। मिक्सचर में ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल हमें क्रिस्पी होने तक लो फ्लेम में इनको फ्राई कर लेना है। अब ये देखिए, लो फ्लेम में हमने इनको फ्राई किया है, बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बूंदी तैयार है। आप इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और इनसे रायता या कढ़ी बना सकते हैं। तो ये भी बूंदी खाने में ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।
अब हम चने की दाल को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने स्टेटर में चने की दाल को ले लिया है और उसके बाद मैंने इसको ऑयल में डाल दिया है। इस तरीके से करने से बहुत आसानी होती है। चने की दाल को जब वो फ्राई हो जाते हैं तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप चाहें तो डायरेक्ट तेल में भी फ्राई कर सकते हैं इसको, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें और इस तरीके से चलाते हुए लो फ्लेम में हम इनको फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। ये देखिए बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं। इनको फ्राई होने में 5 मिनट लगे थे चने की दाल को। अब यहाँ पे हम मूंगफली को भी, एक कटोरी मूंगफली लिया है, उसको भी स्ट्रेनर में डालकर हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए तैयार है मूंगफली भी मिक्सर में जाने के लिए। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें डालनी थी वो सारी चीज़ें तैयार हैं। अब पोहे की बारी है, तो यहाँ स्टेनर में मैंने पोहे को डाल दिया है और उसको भी इसी तरीके से हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत आसानी होती है स्टेनर में डालकर फ्राई करने से, डायरेक्ट तेल में डालने से वो बिल्कुल इधर उधर बिखर जाते हैं। और यहाँ पे पोहे का कलर भी हमें दूसरा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पोहे में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और इस तरीके से तेल में मिक्स करते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। इससे पोहे का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो 2 तरह के पोहे हमें तैयार मिलेंगे, कुछ सफ़ेद और कुछ लाइट येलो। और ये देखिए पोहा भी बिल्कुल तैयार है फ्राई होके। अब हम करी पत्ते को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े से करी के पत्ते लिए हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पोहे के मिक्सचर में करी पत्ते का, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 बड़ी कटोरी मखाने लिया है, तो मैंने मखाने को देसी घी में 1 चम्मच देसी घी के साथ क्रिस्प होने तक भून लिया है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। 4 से 5 मिनट लगे थे मुझे मखाने को भूनने में। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भुने हुए चने भी लिए हैं, ये रेडीमेड हैं, सिंपल जो भुने हुए चने आते हैं वो हैं। और सारी चीज़ें हमारी मिक्सचर में जाने के लिए तैयार हैं। अब चाट मसाला बनाएंगे। तो 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने काला नमक लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद नमक लिया है और 2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा चाट मसाला बिल्कुल तैयार है मिक्सचर में जाने के लिए। तो सबसे पहले बड़े मिक्सिंग बाउल में मैंने पोहा डाल दिया है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी नमक ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। और उसके बाद जो हमने चने की दाल, बूंदी, मूंगफली, मोटे पतले सेव और चना लिया है, भुना हुआ चना, और मखाने डालकर इनको मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। सेव को हमें अच्छे से तोड़ लेना है बारीक करके और सारी चीज़ों को हम पोहा में ऐड करेंगे और मसाला डाल के इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, आप जितना चटपटा पसंद करते हैं। आप चाहें तो अलग से काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। और ये देखिए मार्केट से भी बेहतर हमारे घर में पोहा मिक्सचर तैयार हैं। आप अपने लिए बनाइए, अपने घर आने वाले मेहमानों के लिए बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो से आप जुड़े रहें। जल्दी मिलती हूँ अगले रेसिपी के साथ। नमस्कार, बाय बाय।